मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत बने 5 लाख से ज्यादा घरों का आज गृह प्रवेश होगा। इस मौके पर पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित भी करेंगे और लाभार्थियों से बात करेंगे। एबीपी न्यूज मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहुंचा और नया मकान पाने वालों से बात की। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मकान बना दिया मोदी जी ने तो खुशी है। मोदी जी ने अच्छा मकान बनवा दिया। आज की सुबह 5 लाख परिवारों के लिए मंगलकारी होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज 5,21,000 लोगों को कराएंगे गृह प्रवेशम। दरअसल आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए घरों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों को देंगे मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम। एबीपी न्यूज ने बात की सीहोर जिले के भाऊखेड़ी गाँव के हितग्राही जमुना प्रसाद और रेशम बाई से, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो कभी अपने पक्के मकान में रह पाएंगे। पहले नहीं बना रहे थे, कच्चा मकान में रह रहे थे, दीवार गिर रही थी, पानी चुग रहा था। अब छत की मकान है, अच्छा लग रहा है। अच्छा काम किया मोदी जी ने, बढ़िया किया। अच्छा, प्रधानमंत्री आवाज होएगा हमारा, प्रधानमंत्री जी करवाएगा तो अच्छा लग रहा है हमको। ये ऐसा कच्चा मकान था हमारा पहला, बहुत परेशान रहते थे हम, कोई सामान नहीं रख सकते थे, दुकानदारी नहीं कर सकते थे। अब मकान बन गया तो अब कोई परेशानी नहीं हमको, पानी की आंधी तूफान की कोई परेशानी नहीं। अच्छा। मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ये है एमपी के गुना जिले के विनोद, जो फिलहाल कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन अब पक्का मकान मिलने की वजह से इनकी माँ काफी खुश है। धन्यवाद। अच्छा। धन्यवाद हमारी तरफ से। क्या क्या लाभ मिल गया? सब मिल गए वो। छतरपुर जिले में जहां नया मकान पाने वालों में खुशी का माहौल है, वहीं इस गृह प्रवेश के मौके पर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचू रजक के घर में खाना खाने भी जाएंगे। हमको मोदी जी ने गैस सिलेंडर दे दिया है, फ्री अनाज मिलता है। पहले हमारी ये कच्ची झोपड़ी थी, अब पक्का मकान दे दिया है। अच्छा। हमारी तो मोदी जी ने बल्ले बल्ले कर दिए। मेरा पहले कच्चा मकान था, अब पक्का मकान है। माननीय श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की ओर से और हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से जो सहायता राशि प्राप्त हुई है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो है सरकार की जो हमारे मोदी जी की योजना है, उस योजना के तहत में हमें ये मकान का पैसा मिला, मकान हमने बनवाया और मोदी जी ने हमारा मकान बना के तैयार कर दिया। मोदी जी के लिए हम जो है बहुत बहुत सा धन्यवाद। आज की स्थिति में हम जो है पूर्णतः सुखी हैं और हम जो है बहुत बड़े मोदी जी के और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले में पीएम आवास योजना के तहत लगभग 13,000 घर बने हैं। घर पाने वाले जहां गृह प्रवेश की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं बात करने पर लोग पीएम मोदी को शुक्रिया कहना नहीं भूल रहे। अच्छा मकान बना दिया मगर, तो उनको धन्यवाद। मकान था हमारे, अब पक्का हो गया, बहुत खुशी हुई बात से। मकान बना दिया मोदी जी ने तो खुशी है, और कहीं लाभ मिला है इसमें। खुश है बाप? खुशी है। प्रधानमंत्री योजना में हमें लाभ मिले तो हमारे पक्का मकान हो गया। नरेंद्र मोदी जी को और मंत्री जी को सबको धन्यवाद है। बढ़िया हमारे परिवार, हम सब सुखिया रहेंगे। 1 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24,10,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इस योजना का लक्ष्य 2024 तक बेघर परिवार और कच्चे और टूटे मकानों में रह रहे परिवारों के लिए पक्के घर बनवाना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।